मेरा नाम कैलाश माने है मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है खुदा एक है तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा अहम सवाल कि अगर हर मजहब हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल अगर हिंदुजम में लिखा भगवान एक है क्रिश्चनिटी में लिखा भगवान एक के, है इस्लाम में लिखा के भगवान एक के, है तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए मैं हिंदू ही रहूंगा मैं ईसाई रहूंगा बहुत अच्छा सवाल है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले नाइनटीन में इसी कैंपस में कुरान एंड मॉडर्न साइंस कुरान और जदीद साइंस और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मजहब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तला ने कई किताबें नाजिल की है अल्लाह सुबहाना ने कई किताबें नाजिल की नाम से सिर्फ चार का जिक्र है कुरान मजीद में तोरा ज़बूर इंजील और कुरान तोरा वो वही है जो मूसा सलाम पे नाजिल की थी ज़बूर वो वही है वो किताब है जो दाऊद सलाम पे नाजिल की गई थी इंजील वो किताब है जो ईसा सलाम जिदस का पौन पे नाजिल की गई थी और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगम्बर अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सुर रौद में शुरा नंबर तेरह नंबर में लेकिन किताब और हर दौर में हमने किताब नाजिल किए है अल्लाह ने बहुत से किताबें नाजिल किए सिर्फ चार का जिक्र है लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी जिस तरीके से बाइबल में लिखा है गॉस्पिल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर वर्स ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर टेन वर्स नंबर फाइव एंड सिक्स के ईसा सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे उसी तरीके से जितने भी किताबें जितने भी पैगम्बर मोहम्मद वसलम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब वो सिर्फ़ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुबह की और मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे कुरान मजीद में लिखा है सुर इब्राहिम में सोना नंबर चौदह आयत नंबर बावन में फिफ्टी टू में सुरह इब्राहिम सुना नंबर चौदह आयत नंबर एक में सुर अजुमर सोना नंबर थर्टी नाइन वस्त नंबर फोर्टी वन में सुर बकर में सोना नंबर दो आयत नंबर वन एटी फाइव में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नासिल किया गया है और मोहम्मद वसम सिर्फ़ मुस्लिम या सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे कुरान मजिद में जिक्र आता है अम्बिया में सो नंबर इक्कीस आयत नंबर एक सौ सात में वमा और समत आलमीन के हमने मोहम्मद वसम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए सारे आलम के लिए और सारे जहाँ के लिए तो ये कहना है कि जितनी भी किताबें पहले आई अल्लाह का पैगाम एक ही था अल्लाह एक है अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त 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 उनमें मिलावट आने लगी और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो चाहे बिब्लिक स्कॉलर पूछो क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल बाइबल में मिलावट है अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तोहिद है हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब सौ फीसद खुदा की किताब है कोई भी शख्स कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब सौ फीसद खुदा की किताब है हिंदू कहेगा वे सौ फीसद खुदा की है क्रिश्चियन कहेगा बाइबल सौ फीसद खुदा की है मुसलमान कहेगा कुरान सौ फीसद खुदा का है नो no प्रॉब्लम तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में लगता है वो चीज पे हम अमल करें और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है दूसरी अक्सानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ़ ड्यूटरोनीमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ़ ड्यूटरोनीमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ़ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ़ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ओल्ड टेस्टमेंट है न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर ऑफ जॉन चर सिक्स ऑफ जॉन चैप्टर सिक्स वर्स नमर टू फोर्टीन मैं कह सकता हूँ कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगम बनाने वाले मोहम्मद उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताल करते हैं उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोकास्ट पांच से आठ तक भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोकास्ट टेन टू ट्वेंटी सेवन इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद आने वाले हैं इसी तरीके से आप पढ़ेंगे

आप अगर कलकी पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कलकी अवतार आखिरी पैगंबर उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति सुमति की मानी अमन अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था उसमें लिखा है कि इस कलकिया अवतार के वालिद का नाम है विष्णु याट्स विश्नो याट्स मीस खुदा का बंदा ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वल्ल वालिद का लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन जो मक्का है वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरेश में पैदा हुए थे उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगम्बर होंगे इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के चार करीब दोस्त होंगे चार खुलफा राशिदीन हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली मेला जमोल इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो बारहवीं तारीख माधव में पैदा होंगे जो बारहवीं रबिया अवल है उनको बशारत होंगी सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में एक केव में वो एक गारे हीरा और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवोड और वापस आएंगे हम जानते हैं मोहम्मद मक्का से जाते मदीना नॉर्थवोड वापस आते महफुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में दो हफ्ते बाद मोहम्मद सल्लम हिंदू मजहब की किताबों में तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा से पतिमा अस्ति उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं उस खुदा का कोई बुद्ध नहीं उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्ला वल्म है आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीम ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा तो मैं कहता हूँ आप अच्छा हिंदू बनो अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा उसको मानना पड़ेगा ईसा सलाम खुदा नहीं उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगम्बर मोहम्मद और वो ऑटोमेटिकली आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी अच्छा हिंदू तो अच्छा बनकर सही मुसलमान बनना चाहते है कि नहीं आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं मैंने इतने हवाले दिया तो आप मानते हैं कि खुदा एक है आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है मैं जानना चाहता हूँ आपसे हाँ आप हा, मानते हैं कि अल्लाह है एक खुदा एक है मानता मानते हैं कि नहीं हाँ मानता हूँ मानते आप मानते हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है हाँ सर आप कहा कि कल किया अवतार आखिरी पैगम्बर मोहम्मद है कि नहीं सर मैं अभी पढ़ूंगा बिल्कुल सही आप पढ़ के अगर मुतमिन तो फिर मानेंगे कि नहीं हाँ मानेगा कितना वक्त चाहिए आपको एक दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते दो दिन चाहिए तो परसों पढ़ पर सकते एक, दो दिन दो दिन दो दिन अच्छा परसों में आपका इंतजार करूंगा इनशाला ठीक है